मान ले ये चलते चलते अगर कोई रेड पांडा या भालू आ गया तो क्या करेगा? रेड पांडा इज क्यूट, वो आएगा नहीं। लाइफ में तो ऐसे ही बहुत सारा भालू मिलता है। Honestly speaking, never thought about such a long gap between our travel days. But क्या करें, COVID का time चल रहा है तो rules and regulations तो मान के चलना पड़ेगा। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely good. Today I am very much happy because I'll be meeting all of my close friends, basically all of my travel gangs, and सब लोग मिल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ plan को जरूर बन रहा है। So say hi guys. Hi. After a long time, meeting those familiar faces. अरे भाई mask ना उतरना ठीक है एकदम। बेसिकली आप लोगों को वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हिलेबार से भाया ओकरे, व्हिच इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ सिक्किम। तो अभी के लिए प्लान है कि सिलीगुड़ी से हम लोग स्टार्ट किया टुवर्ड्स हिले, टाइम लगेगा लगभग 4 घंटा, व्हिच इज अराउंड 128 किलोमीटर। हम लोग हिले पे उतरेंगे, वहाँ पे हिले से हम लोग ट्रेक करके 2 घंटे में बारसे पहुँचेंगे। एंड द मेन अट्रैक्शन फॉर टुडे दैट वी विल बी क्रॉसिंग द बारसे रोडोडेंड्रॉन सैंक्चुअरी। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करके हम लोग आगे निकलेंगे। ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म पूरी और उसके साथ ये व्यू। और तुम लोगों ने क्या ऑर्डर किया? आ रहा है पूरी सब्जी। तो एक्चुअली में जो व्यू आप लोगों को मैं दिखाया वो व्यू देखते देखते हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 11:30। ब्रेकफास्ट करने का प्रॉपर टाइम तो नहीं है, बट आगे जाके क्या मिलेगा कब मिलेगा बोल नहीं सकता, तो उसी के लिए हम लोग अभी हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। मैंने पूरी सब्जी, इन लोगों भी पूरी सब्जी, और वहाँ पे आइसोलेशन में बैठ के अभी रिजॉय रोटी सब्जी खा रहा है। और इधर सौरभ, थोड़ा हाई बोल दो, तुम पहले नहीं थे, सौरभ और सुभाजीत भी रोटी सब्जी खा रहे हैं। सच बताओ तो सोचा नहीं था कि हिले पहुंच के इतना ज्यादा ठंड मिलेगा। ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल कोल्ड है, मतलब उसके साथ हवा भी चल रहा है ठंडा। फ्रॉम ओकरे से हिले और बरसे आ रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन है, हिले आके यहाँ से बरसे के लिए स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है आप ओकरे में भी स्टे कर सकते हो और नेक्स्ट दिन आप हिले और बरसे घूम सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ एक ही दिन में करना है, हम लोगों को थोड़ा शेड्यूल टाइट है, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड दिस ऑप्शन। सारे सामान जो है वो अनलोडिंग चल रहा है। बहुत भारी है भाई। यहाँ का जो इंटरेस्टिंग चीज़ है रोडोडेंड्रॉन फ्लावर, वो देख लो, देखो इसका फॉर्मेशन कैसा है, बहुत ही खूबसूरत सा फूल है। और देखो तो अभी का सिनेरियो ये है, हम लोग अभी हिले पे गाड़ी छोड़ रहे हैं, जब बरसे से फिर से नीचे उतरेंगे तो यही गाड़ी से हम लोग सिंगटम जाएंगे। ऊपर हम लोगों का जो गोरस कुंज है वहाँ पे हम लोगों का बुकिंग ऑलरेडी है फॉर टुडेज नाइट। बट द थिंग इज ठंडा बहुत ही है, लाइक मैंने चेक किया टेम्परेचर कैसे रहेगा तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि बोल रहे हैं रात को इट विल गो अराउंड -1-2 degrees। मिलिए प्रेमा भैया से, लोगों को पिकअप करके सीधा हम सिंगटम लेके आपको वहाँ से दूसरा गाड़ी में सिंगटम। तो कितना टाइम लगेगा अगर यहाँ से सिंगटम के लिए स्टार्ट किया तो? 6 घंटे। 6 घंटा लग जाएगा। मेरा नाम प्रेमा शेरपा है। हाँ, मैं ऐसे साउथ वेस्ट का टूर करता हूँ। अच्छा, सिर्फ साउथ और वेस्ट सिक्किम का? जी जी। नॉर्थ में आपका? नॉर्थ में नहीं करता। अच्छा, भैया का नंबर मैं अपना चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत कल मिलते हैं। ये देखो और भी रोडोडेंड्रॉन फ्लावर। एज आई टोल्ड, मार्च अप्रैल मंथ आर द परफेक्ट मंथ फॉर दिस वेदर कंडीशन टू ब्लूम दिस काइंड ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स। यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन का बहुत सारा स्पीसीज के अलावा भी मैग्नोलिया और सिल्वर फर, हेमलॉक, ये सब अदर स्पीसीज भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखते हैं आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का ट्रेकिंग नहीं एक्चुअली का वॉकिंग स्टार्ट होगा टुवर्ड्स बर्थ से। दिस इज द मैप ऑफ द एंटायर रीजियन, सो इफ यू वॉन्ट टू हैव ए क्लोज लुक यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव ए लुक। यहाँ पे है हिले, यहाँ से स्टार्ट करके जाएंगे बरसे की तरफ, और ऑन द वे आपको ये सब चीज़ दिख सकता है इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ। एशियाटिक ब्लैक बियर, बार्किंग डियर, कालीज, लियोपर्ड, रेड पांडा। तो एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 4। आई विल शो यू व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू आर कमिंग टू बरसे। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ परमिशन या टिकट काउंटर कुछ तो है,
अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से टिकट ले रहे हैं, टिकट प्राइस इज 55 रुपीज पर हेड, हम लोग 6 लोग हैं तो अभी टिकट ले रहे हैं। हाँ बोलिए। रोडोडेंड्रन वाइन, अच्छा प्रगलस 100 फुल बटर रुपीज 400। नहीं रोडोडेंड्रन का कौन सा, ये वाला ना, ये छोटा वाला कुछ है क्या टेस्ट करने के लिए? तो अभी मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। बढ़िया, एक नंबर। ए खूब भालो टेस्ट किंतु। तो ये ओखड़े होता है, ओखड़े। ओखड़े हाँ। ओखड़े में मिलता है। अच्छा। जो फ्लावर होता है। इस पर का फ्लावर यहाँ से जगह होता है। Ready for the adventure? नहीं है, इतना जोर से चिल्ला मत। भाई कितना कितना क्लाउड आ रहा है अंदर। वो चाय अगर मिल जाता अंदर, अगर मान लो चलते चलते कहीं पे चाय कॉफी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं थोड़ा बहुत ब्रेक ले रहा हूँ। रेड पांडा आ आ, सुने नहीं दे, एक और बार। नहीं नहीं अभी आ जाएगा। मान ले ये चलते चलते अगर कोई रेड पांडा या भालू आ गया तो क्या करेगा? रेड पांडा इज क्यूट, वो आएगा नहीं। लाइफ में तो ऐसे ही बहुत सारा भालू मिलता है शहर में। सबसे पहले तू ही जम मरेगा। यूज्ड टू है ना। चलते चलते हम लोग को एक नेचुरल वाटरफॉल दिखा। अभी तो पानी तो नहीं है बट आप देख सकते हो ये एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। ये बारिश के टाइम पे तो मॉनसून सीजन में एकदम पूरा भरा रहेगा। हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लॉकडाउन में घर में बैठे रहने का ये डिसएडवांटेज है। थोड़ा बहुत चला सब लोग 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद सबका ब्रेकडाउन। और देख सकते हो वहाँ पे सब लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम के लिए हॉल्ट किया है। क्या खा रहे हो? बिस्किट मैडम मुझको भी दो। प्रोवाइडेड बाय दादू। नहीं ठीक है मैं ये लेता हूँ यहाँ पे, थैंक यू। इसके बाद रात को चिकन भी खाना है, ठीक है? चिकन कबाब प्लस चिकन झोल। और कुछ मिस गया? चिकन पकौड़ा, चिली चिकन, मोमो। नहीं मोमो हम लोग खाएंगे आगे जाके पक्का। यहाँ पे तो दिख रहा है रेड पांडा, दिखने का चांसेस है पर मुझे पता नहीं दिखेगा कि नहीं। मेरे को देख, मेरे को देख। तुम तो हो नॉर्मल पांडा, ये तो रेड पांडा है। तुम तो इसकी तरह लाल नहीं हो, येलो 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 डट्टी फेल हो। केचुआ है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो even if I want to realize. Cause I've been sitting here same old ways. अभी एक डेढ़ घंटा और लगेगा गोरोसकुंज बार्स से पहुंचने के लिए। प्रॉब्लम एक ही हो रहा है, जाते जाते बहुत सांस फूल रहा है। तो बाकी के लोग थोड़ा आगे चला गए हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे करके पीछे मेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात तो है यहाँ पे आके कोरोना क्या है भाई, कुछ नहीं है, एकदम सुकून से आगे चल रहा है। मास्क है मेरे पास और आपस में डिस्टेंस बना कर भी रखे हैं, बट क्राउडेड प्लेस में स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस। इसी रास्ते से हम लोग हिले नीचे उतरे गए, तो सुबह के टाइम पे कैसा मौसम रहेगा वो तो पता नहीं। अभी जब मैं जा रहा हूँ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 5:15, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं पर भी बहुत ठंडा और कहीं पर भी थोड़ा कम ठंडा। आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत सारा बम्बू ट्री आप लोगों को दिखेगा। ये सब बम्बू ट्री है जो बेसिकली रेड पांडा का फेवरेट फूड है। एट द सेम टाइम में जाते जाते तो नजर भी रख रहे हो अगर कोई रेड पांडा या कुछ दूसरा क्रिएचर दिख भी जाए। ये मेरा यूट्यूब चैनल के लिए। ओके ओके हो गया आप लोगों को घूमने जाने। हाँ यूट्यूब चैनल में तो नहीं। चलो भाई घूम के फूल वगैरह सब कुछ देख के आ गया भाई, लोग आप भी जाइए। ऊपर ठंडा कैसा है? बहुत ठंडा है। चलिए बाय 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 बाय। सो वन थिंग यू गाइस नीड टू फॉलो, कहीं पर भी कचरा मत फेंको। ये देखो हम लोग सब यहाँ पे प्लास्टिक में जमा किए थे और अभी हम लोग यहाँ पे कचरा डिब्बा पे फेंक रहे हैं। प्लान इज मिशन इम्पॉसिबल। कल हम लोग को यहाँ से जाना है लाचेन, विच इज नेक्स्ट टू लाइक से 13-14 आवर जर्नी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट वी विल डू इट। एंड ड्राइवर भाई साहब ने हम लोगों को छोड़ा नीचे हिले पे, तो कल सुबह एकदम शार्प 7:30 को वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग को थोड़ा पहले से नीचे उतरना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं ब्लॉग को स्टॉप कर रहा हूँ, तो मिलते हैं गोरसकुंज में सीधा पहुँच के। अच्छा हाँ बाप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ गोरसकुंज बारसे एंड टुडे इज द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज व्लॉग। एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू सी द सनराइज। यहाँ दो पॉइंट्स है आगे, आप वहाँ से भी जा सकते हो और हम लोगों को ये शॉर्टकट बोला कि यहाँ से जाओ और सनराइज पहले देखो।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सनराइज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, वी जस्ट रीच लाइक 10 मिनट्स बिफोर। आप देख सकते हो फर्स्ट रे ऑफ द सनलाइट, ब्यूटीफुल इट इज। और बोला जा रहा है कि आप उधर जाओ तो उधर से कंचनजंगा का व्यू और भी अच्छा दिखेगा। तो मतलब हम लोग एक पॉइंट पे आए तो अभी उतर के अभी दूसरे पॉइंट पे जाना पड़ेगा, तो वो भी देख लेते हैं जब आए हैं तो कैसे व्यू वहाँ से आते हैं। चारों तरफ पूरे रोडोडेंड्रन फूलों से भरा रहता है, बट ये साल बहुत ही कम है। यहाँ का लोकल लोग बोल रहे हैं कि जो यहाँ का सीजन है रोडोडेंड्रन ब्लूम होने के लिए वो थोड़ा पीछे चला गया है, ठीक है। और इस टाइम भी इतना ठंडा भी नहीं रहता है। क्लाइमेट इज चेंजिंग एब्रप्टली एंड दिस इज द इफेक्ट फॉर दैट वन। आप अगर गुरासकुंज या बाढ़ से रोडोडेंड्रन सेंचुरी का पिक गूगल भी सर्च भी करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि चारों तरफ ऐसा रोडोडेंड्रन पूरा दिखता है। बट ये साल क्या करे। बट जाते जाते मैं आप लोगों को थोड़ा क्लोजअप शॉट ऑफ रोडोडेंड्रन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को। वैसे रोडोडेंड्रन का और भी बहुत सारा स्पीसीज है। ये रेड जो कलर आप लोगों को दिख रहा है बेसिकली दिस इज द वन व्हिच इज टू बी फाउंड इन लॉट ऑफ प्लेसेस। आते आते एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, जब मैं से यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश किया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ गया। बट थैंक्स टू दिस शू कि इसके वजह से ट्विस्ट का जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। अभी थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। बट सामने मेरे को कंचनजंगा दिख गया, उससे बहुत ही सुकून मिला। तो आप लोग देख लीजिए वेयर वी स्टेड यस्टरडे, दिस इज बारसे गुरासकुंज। जो मतलब यहाँ पे जब भी आते हो तो आप लोगों को पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ का अंदर का रूम व्यू दिखा देता हूँ। वैसे देखा जाए तो हम लोग को एक पूरा एक डॉर्मी मिला है। हम लोग वो साइड 6 लोग मिलके सोए थे, देख लो यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग वहां तक सोए थे। एंड एज यू कैन सी आपको ये विंडो से ही पूरा रोडोडेंड्रन का व्यू और पीछे कंचनजंगा का व्यू दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे एक और फॉरेस्ट बड़ा है तो वहां भी आप लोग रह सकते हो। बट ये बहुत ही ठीक ठाक है, इतना ऊंची जगह पे इतना अच्छा सारा व्यू मिल रहा है, ये और क्या चाहिए। ये दिख रहा है इधर, इधर है कंचनजंगा और सामने रोडोडेंड्रन भी है। देख लीजिए रोडोडेंड्रन अच्छे से, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सीजन ऑलमोस्ट हो चुका है मार्च एंड अप्रैल, बट इतना सारा रोडोडेंड्रन यहाँ पे नहीं है। अगर और भी सारा होता और उसके अंदर ये गुरासकुंज का व्यू और पीछे कंचनजंगा का तो नेक्स्ट लेवल व्यू होता। बट कोई नहीं, चलो जो भी मिला ठीक लगा, अच्छा लगा। पहली बार आया यहाँ पे, इट वॉज वर्थ। तो मिलते हैं बंधु भैया से जो यहाँ का गुरासकुंज का पूरा देखभाल करते हैं। तो बंधु भैया आप बोलिए कि यहाँ का और क्या क्या फैसिलिटी है, टूरिस्ट लोग कब आते हैं इसके बारे में। मेन सीजन है मार्च अप्रैल में और फिर सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर। सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर है कंचनजंगा पूरा रेंज का सीजन। किधर दिखता है कंचनजंगा पूरा? इधर सामने लेफ्ट टू राइट 13-14 पीक। हाँ, कुंभकर्ण से लेकर सीनलसी तक दिखाई पड़ता है। अच्छा। और एक्चुअली मार्च अप्रैल है सीजन फूल के लिए। हाँ, पूरा जब फूल खिल जाता है ये पूरा वैली लाल हो जाता है। अच्छा, आपका गुरासकुंज में कितना रूम है और कितना लोग एक साथ रह सकते हैं? यहाँ पे कम्फर्टेबली रहकर 60 जोन तक हो जाएगा। 60? हाँ, ऊपर में है कम्फर्टेबली 30 जोन का। हाँ, मोटा मोटी एडजस्ट करके 40 जोन तक आ जाएगा। एक साइड में 20, एक साइड में 20, 40। नीचे रूम है पहले ये दो। हाँ, ये एक्ट्रेस वाला रूम है। हाँ, पहले 2 बेडेड था। हाँ, अब इसको मैं टूरिस्ट ज्यादा रश होने के वजह से फिर इसको मैं मिनी डमी टाइप बना दिया, 8 बेडेड बना दिया। अच्छा। और उसका बैक साइड में 2 रूम है जो नॉन एटेस है। 2 रूम का अंदर ही एक एटेस बाथरूम शेयर करना पड़ता है। अच्छा। उसमें 6-6 जोन आ जाएगा, 12 वहाँ पे आ जाएगा। गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलता है या आप लोग ही पूरा करते हो? एक्चुअली गवर्नमेंट का है। हाँ, हम लोग लीज में चला रहा है। अच्छा 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 अच्छा, वही बात है। और बुकिंग के लिए क्या कैसे प्रोसेस किया है? प्रोसेस आप नंबर लेके जाइए। हाँ, हाँ, कोई ट्रेवल्स के थ्रू भी होता है। अभी तो बहुत सारा फेसबुक का थ्रू, मतलब व्हाट्सएप का थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट करके आता है। गुरासकुंज छोड़ के यहाँ पे कोई फॉरेस्ट बड़क करके कोई है बोल रहे? नीचे वाला है। अच्छा, ये वाला ना, और नीचे पेट्रोलिंग कैम्प। बंधु भाई से मिलके अच्छा लगा। फेस एक बार दिखा दीजिए, आप फेस एक बार दिखा दीजिए। हाँ, फेस दिख के रखो। मैं बंधु भैया का नंबर और ये गुरासकुंज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। असुविधा नहीं तो बोल से यहाँ पे बैठ के जो व्यू मिल रहा है अच्छा है। गुड। और इधर है गुरासकुंज, उधर से सनराइज हुआ है और इधर है कंचनजंगा जो पीछे है। मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता क्योंकि ये कैमरा में आएगा नहीं। एक्चुअली कल एक्चुअली क्या हुआ, जब हम लोग आए यहाँ पे
तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि दो घंटे में हम लोग यहाँ पे ऊपर आराम से पहुँच जाएगा, बट क्या हुआ, फिटनेस लेवल एकदम हम लोग का भी ख़राब चल रहा है, ठीक है, इतना दिन घर में बैठने के बाद, तो ऑलमोस्ट 3 घंटा लग गया और पूरा अंधेरा भी हो गया था, तो हेड टॉर्च लगा के वो ऑन करके हम लोग आगे जा रहे थे। तो हम लोग का भी ग्रुप फोटो चल रहा है। थैंक यू भैया फोटो उठाने के लिए। वन मोर फाइनल टाइम, बाय बाय गुरसकुंज, सी यू सून इन नियर फ्यूचर। थैंक यू भैया, मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई पेड़ फिर भी मिलेगा, फिर फिश पंप, बाय 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 बाय, चलो बाय बाय। तो ये बार से गुरसकुंज छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था। ये यहाँ का लोगों का हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही वार्म हॉस्पिटैलिटी था। जब आप लोग आ रहे हो तो मैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से डाल दूंगा, डायरेक्ट फ़ोन करके भी बुकिंग कर सकते हो। बिफोर सेइंग गुड बाय टू गुरसकुंज, आप देख लो रिवाइंड करके कि हाउ वी हैड आवर इवनिंग स्नैक्स यस्टरडे बाय दिस देसी स्टाइल, ऑल थैंक्स टू सोडॉफ। सो हियर गो द फुटेज। ओ लवली, ठीक है दादा, घोटी कटम घोटी कटम घोटी कटम। थोड़ा और मिला देना ना, ना ना दिए बस बस भाई, ये झालमुड़ी भाई आदिश ना, आदिश ना बहुत हो गया, आदिश ना, आदिश ना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग एकदम देसी स्टाइल में इवनिंग का स्नैक्स खा रहे, ऑल थैंक्स टू सौरभ। असाधारण। ऑन द वे आप देख लो, ये है बारसे लेक, ठीक है। कल रात को जब आए थे तो इतना अच्छा व्यू नहीं मिला था, पानी बहुत भरा रहता है, अभी पानी बहुत कम है। और यहाँ पर जितना भी देख रहे हो सभी पेड़ों पर रोडोडेंड्रन फूल खिलता है। इधर से एक और व्यू है पूरा लेक का। चलो लेट करके फ़ायदा नहीं है, हम लोग को कैसे भी करके वही दिन डेढ़ घंटा नीचे पहुँचना है। तो ड्राइवर भाई से हम लोग को पक्का गाली देगा इतना देर वेट करवाने के लिए। इधर का ही हो आप लोग? नहीं। कहाँ से सब? वेस्ट सिक्किम। अच्छा, हम लोग सब कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। हेलो हेलो हेलो, ठीक है चलते हैं फिर। क्या हुआ भाई तुमको? मसल क्रैम्प बैंड, बट दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू आर ए प्रो। जॉल खाइनी, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस गाइस। ये मैं हूँ, ये हम लोग का टीम है और यहाँ पे हम लोग का पावड़ी हो रही है। ऑलमोस्ट वी वर्क फॉर 1 आवर, अभी भी बोल रहा है कि 30 मिनट्स और है हिले पहुँचने में। तो एज आई प्रोमिस दैट सुबह के टाइम पे मैं और अच्छी तरह से आप लोग को दिखाऊंगा ये पूरा ट्रेल कैसा है। यहाँ पे एक एक जगह ऐसा है फ्रेंकली स्पीकिंग जहाँ पे सनलाइट डोंट इवन रीच, यू जस्ट नीड टू कम एंड फील द साइलेंस। ये नेचर का जो साइलेंस है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ऑल थैंक्स टू दिस टीम कि 1 साल का घर में रहने के बाद दिस काइंड ऑफ ट्रिप इज काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग वन। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you... So as of now, just now completed the Barsel Rhododendron Trek. अभी हम लोग का प्लान है कि यहाँ से गाड़ी लेके सिंगटम जाएगी और वहाँ पे गाड़ी छोड़ देगा, क्योंकि एक और गाड़ी वहाँ से हम लोग को पिक करेगा टुवर्ड्स लाचेन। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई हैव नो रिग्रेट टू एडमिट ड्यू टू आर लो फिटनेस लेवल, ये इतना ईजी ट्रेक था उसमें बहुत पैर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद बहुत दिन घर में बैठे रहने का यही नतीजा होता है। भैया कितना टाइम लगेगा सिंगटम? सिंगटम यहाँ से 4 आवर्स। 4 आवर, तो और भी 4 घंटे का जर्नी है, थोड़ा रिलैक्सेशन करके ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। You don't need a cure, pray them for me. राइट नाउ अभी हम लोग सिर्फ गाड़ी स्विच करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस कार टू द करंट कार, एंड आवर टारगेट इज टू रीच लाचेन एट एनी कॉस्ट बिफोर 8 PM इन द इवनिंग, बिकॉज यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है। आई होप वी कैन कवर अप द टाइम बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट रनिंग 1 आवर बिहाइंड। भैया तो थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। साउथ वेस्ट सिक्किम पर कुछ भी ट्रिप हुआ तो मैं डायरेक्ट आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा। भैया अभी लाचेन पहुँचने में कितना टाइम लगेगा?
पाँच घंटे लगेगा ना। चलो मैं भी कहूँगा ना। सो वी रीच लाचेन एट 8 इन द इवनिंग एंड दिस इज द रूम दैट वी गॉट एट होटल माउंट व्यू। हम लोग एक्चुअली 6 लोग हैं तो यहाँ पे 2 लोगों के लिए और यहाँ पे 1 लोग के लिए ये बंदोबस्त हुआ है। दिस इज अनदर रूम। मैं आप लोगों को बाथरूम भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए बाथरूम कितना बड़ा है और गीजर भी चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। Obviously, I came to North Sikkim 3 times, but this is the first time that I came to Lachen. Literally, I am very much excited. But problem एक ही है, जब हम लोग लाचेन की तरफ आ रहे थे तो हम लोग को बहुत बारिश मिला। अभी भी बाहर थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, तो देखते हैं कल सुबह क्या हाल रहता है, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि कितना आगे तक हम लोग जाना है। So with that said, आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर हिलेबार से ट्रेक। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग बुकिंग एट गुडसकुंज और एनी काइंड ऑफ ट्रेक इन्फॉर्मेशन regarding Hilebar se. So if you are new to the channel, then do subscribe my channel, The Bomb Wayfarer, to get notified about our upcoming Lachen and Lachung part. Besides, you can follow me on Instagram as well as I am Roy92. Till then, goodbye, take care, see you soon in next vlog.